पड़ेगी तो वो यहाँ से क्या कर लेगी, अपना पाथ जो है वो डाइवर्ट कर लेगी, ठीक है, और वो स्कैटर हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और जब वो स्प्रेड होगी तो उसका पाथ हमें दिखाई देगा, ठीक है, और जब वो इसमें से सीधे ही पास हो जाएगी, पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो कंसीडर ही नहीं हो रहा है, तो बीम जो है वो सीधी पास हो जाएगी और उसका पाथ हमें जो है वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, होमोजेनस सॉल्यूशंस जितने भी हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे अभी हम करके दिखा देंगे। और सेकेंड थिंग, इनमें पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि अगर हम इनको किसी फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह से अलग भी करेंगे तब भी क्या होगा, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर पे नहीं रहेंगे, पार्टिकल जो है वो फिल्टर होके कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उनमें आपने ऑलरेडी कर लिया, पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके कितना होता है, 1000 नैनोमीटर होता है, और इसमें मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब ये दोनों सॉल्यूशन जो है, ठीक है, दे विल शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल जो है वो पार्शियली शो करेंगे, सस्पेंशन जो है वो कम्प्लीटली टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, बट बोथ द सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों ही जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। साथ में इनमें पार्टिकल साइज बड़ा है तो हम इन्हें फिजिकल मेथड लगा के देखेंगे, फिल्टर करके देखेंगे कि पार्टिकल जो फिल्टर के रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम करते हैं, सबसे पहले हमने जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, अब ये हमने यहाँ रखी लाइट, तो क्या इस सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट का पाथ दिख रहा है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कहीं पे आपको पाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ दिख रहा है, ठीक है। तो हमने ये दोनों सॉल्यूशन जो सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाया था तो इसके अंदर आपने देखा कि टिंडल इफेक्ट जो था वो शो नहीं हुआ क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ही छोटा है, और वो पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, स्कैटर करेगा तो हमें उसका पाथ दिखाई देगा। अब मिल्क के अंदर देखो पाथ जो है वो पार्शियल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहा है ना, ठीक है। अब ये सैंड सॉल्यूशन है, पहले ये मिल्क के अंदर देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि अंदर लाइट डिस्पर्स हो रही है, अंदर लाइट दिख रही है, बीकर के अंदर आपको लाइट दिख रही है या नहीं दिख रही है, दिख रही है ना बीकर के अंदर लाइट, वैसी लाइट आपको नमक वाले सॉल्यूशन में तो नहीं दिखाई दी थी, नहीं देखी थी ना आपने, आप दोबारा से देख सकते हैं। ये नमक वाला सॉल्यूशन जो है जब हम इस पे लाइट, तो क्या अंदर कहीं लाइट डिस्पर्स होती दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है ना। मिल्क में देखो तो यहाँ पे अंदर लाइट ही लाइट आपको दिखाई दे रही है, जैसे हमने बल्ब जलाया है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो पार्टिकल है वो उस लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। और ये जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है सैंड सॉल्यूशन, इसके अंदर भी आप पाथ देख सकते हो, आपको पाथ दिखाई दे रहा है लाइट का, लाइट जो वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चौक सॉल्यूशन जो हमने बनाया था, इसके अंदर भी आप लाइट का पाथ जो है वो इजीली देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये ऑयल का सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर भी आपको लाइट का पाथ जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है,
ठीक है। तो जितने भी हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस हैं वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं और वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन फिजिकल मेथड से सेपरेट होते हैं या फिर नहीं होते। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, हमने फिल्टर पेपर लगा दिया है, इसके अंदर बीकर में आप सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए बेटा, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डालो और देखो कि क्या बीकर के तो जितना भी आप देखोगे जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हैं। तो देख आप देखोगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स भी जो हैं वो इतने छोटे हैं कि देखो पर्पल कलर का सॉल्यूशन ही नीचे जा रहा है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट में प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होता तो उसके पार्टिकल क्या होने थे, इसके ऊपर ही रह जाने थे। ठीक है, तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आपको होमोजेनियस सॉल्यूशंस की पता चलती है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हम ये सॉल्यूशन चौक का सॉल्यूशन लेंगे और इसको डालेंगे तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, चौक या फिर सैंड का सॉल्यूशन जब आप लेते हैं तो क्या आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इसको फिल्टर पेपर पे डालेंगे ठीक है, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि चौक के जो पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर से जो है वो पास नहीं होते हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको पार्टिकल साइज के बारे में भी स्टडी मिलती है कि किस में पार्टिकल साइज छोटा है। आपने जब होमोजेनस मिक्सचर को फिल्टर किया तो आपने देखा कि ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना स्मॉल था कि सारे के सारे पार्टिकल जो थे फिल्टर होके नीचे पहुंच गए। ठीक है, अब जब हमने चौक पाउडर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन को डाला तो आप देख सकते हैं कि जो चौक का रेजिड्यू है, चौक के जो पार्टिकल है वो हैवी होने के कारण इसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम डिफरेंट मेथड लगा के जैसे सेपरेटिंग फनल लगाएंगे तो हम इन दो मिक्सचर्स को, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मिक्सचर हमने बनाया था, आयरन पाउडर और पेबल। तो आयरन जो है वो किससे अट्रैक्ट होता है, आयरन किससे अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से। तो यहाँ पे हम इसकी कौन सी सेपरेशन करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट लेके हम इसको क्या कर देंगे, तो बच्चे दो बॉयज यहाँ पे आओ। ठीक है, तो ये हमने पेबल्स डाले थे, इसमें आयरन पाउडर डाला है, पेपर के पीसेस डाले हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो आयरन से अट्रैक्ट हो जाएगा, आयरन या फिर पेबल्स, कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे अट्रैक्ट मैग्नेट से, आयरन। ठीक है, आयरन जो है देख सकते हो आप ये कैसे मैग्नेट के साथ क्या हो रहा है, चिपक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आयरन वाली जो भी कोई चीज होगी उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, अलग अच्छे से समझ लिया है कि होमोजेनस हेटरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपने पूरा प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके आज आपने ये सब कुछ किया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यस मैम। ओके, चलो कल बात नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कर करेंगे। यस मैम। Thank you.